नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार सरकार राजधानी पटना समेत अन्य शहरों को स्मार्ट बनाने की कवायद में लगातार जुटी हुई है। इसी बीच बिहार सरकार अब जल्द ही पटना वासियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है, जिसके तहत जल्द ही पटना में अंडरग्राउंड रास्ता बनाने की तैयारी हो रही है, जो कि बुद्धा स्मृति मल्टी पार्किंग से पटना जंक्शन तक अंडरग्राउंड बनाया जाएगा, जिससे आम नागरिकों और यात्रियों को खासकर की बहुत ही सहूलियत मिलने वाली है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपकी ट्रेन का टाइम हो रहा है, लेकिन लंबे जाम के कारण आपकी धड़कनें भी तेज है कि कहीं जाम में फंसे होने के कारण ट्रेन ना छूट जाए। हालांकि अब आने वाले समय में आपको जाम की समस्या से निजात मिलना तय माना जा रहा है। इसको लेकर बिहार राज्य पुल निगम ने भी अपनी सहमति दे दी है और टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सब कुछ सही रहा तो छठ पूजा के बाद निगम बोर्ड की होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में टेंडर जारी कर अंडरग्राउंड रास्ते के लिए कोई अहम फैसला ले सकता है। अभी जो जानकारी निकल कर के सामने आई है, उसके अनुसार स्मार्ट सिटी योजना के तहत बुद्धा स्मृति मल्टी पार्किंग से पटना जंक्शन तक बनने वाले अंडरग्राउंड रास्ते के लिए मल्टी पार्किंग के पास से 8 मीटर अंदर तक खुदाई होगी। वहीं इसके साइड में ट्रैवलर लगाए जाएंगे, जिससे पैदल चलने वाले लोग खड़े होकर आसानी से आगे निकल सके। यकीनन सरकार की यह योजना पैदल चलने वालों के लिए वरदान साबित होगी। इससे बुद्धा स्मृति पार्क से आने वाले ऑटो डायरेक्ट पटना जंक्शन फ्लाईओवर पर पहुंचेंगे। रोजाना इस रूट से आने जाने वाले पैदल यात्रियों को बेहद फायदा होने वाला है। अंडरग्राउंड रास्ता बनने से रोजाना होने वाली जाम की समस्या से लोगों को मुक्ति मिलेगी। भारत के बड़े शहरों में इस तरह की सुविधा पहले से ही मौजूद है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो इस अंडरग्राउंड रास्ते के लिए बिहार सरकार करीब 65 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। ईपीसी मोड में बनने वाला अंडरग्राउंड रास्ता 410 मीटर लंबा होगा, जिससे बिहार अपने नाम अंडरग्राउंड रास्ता बनाने का कीर्तिमान भी स्थापित कर लेगा। साथ ही आम नागरिकों को बेहद ही सहूलियत मिलेगी, क्योंकि कई बार समय पर घर से निकलने के बावजूद कई लोग जाम का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी ट्रेन कई बार छूट जाती है। हालांकि अब उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाला समय आम नागरिकों के लिए नई और काम की सौगात लेकर आएगा। पुल निर्माण निगम के सूत्र ने बताया कि बुद्धा स्मृति मल्टी पार्किंग से पटना जंक्शन तक अंडरग्राउंड रास्ता स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनेगा। इसके निर्माण के लिए नगर विकास और आवास विभाग से सहमति मिली है। इसके साथ ही पटना जंक्शन फ्लाईओवर से बुद्धा स्मृति पार्क के ऑटो स्टैंड को जोड़ने के लिए एलिवेटेड रोड भी बनाना है। ऑटो स्टैंड के तीसरे और चौथे मंजिल पर वाहनों की पार्किंग के लिए लोग सीधे पहुंचकर इसका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही रेस्टोरेंट के बनने से लोगों को खानपान की सुविधा मिलेगी। इसके बनने से स्टेशन पहुंचने वाले अपने वाहन की पार्किंग कर सकेंगे। आपको बता दें कि बुद्धा स्मृति मल्टी पार्किंग का निर्माण वाहनों की पार्किंग के लिए होने पर भी उसका इस्तेमाल फिलहाल सही ढंग से नहीं हुआ। अभी भी अधिकांश ऑटो वाले बाहर में ही सवारी बिठा रहे हैं। इससे मल्टी पार्किंग में हर समय जाम की समस्या रहती है। इसके अलावा सड़क किनारे ठेला लगाकर कारोबार करने वालों ने भी सड़क का अतिक्रमण कर रखा है। हालांकि आने वाले समय में अब यात्रियों को इन जामों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होने वाली है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार इस अंडरग्राउंड रास्ते के बन जाने से लोगों को सहूलियत मिलेगी या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।